आज हम कोटरंका में अयूब साहब के घर उनके घर आए हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए। कोटरंका के निवासी इसलिए मुबारकबाद देने आए हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर जी दो तीन दिन दौरे पर जम्मू कश्मीर में आए थे, उन्होंने सारे पहाड़ी वहां थे लेकिन अयूब साहब ने सबसे आगे मैंने देखा है वहां पहाड़ियों की आवाज को बुलंद किया है और 70 साल से जो हमारी डिमांड थी मेरे ख्याल में वो पूरी हो गई है। हम इसलिए अयूब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी बार हम उनको हार भी डालना चाहते हैं क्योंकि जब ये काम कोई करते हैं तो ये बढ़ चढ़ के अपनी जान की परवाह न करते हुए ये पब्लिक के लिए काम करते हैं। ये हमारे बुद्धल के इस इलाके के ये एक नुमाइंदे भी हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं, इसलिए हम इनका शुक्रिया अदा करने के लिए इनके घर आए हैं। और हमारे माननीय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ये हमारी 70 साल की जो डिमांड थी वो मानी है, हम उसका भरपूर हम 5-6 सीटें जीत के डिस्ट्रिक्ट जोरी और पुंछ से हम उनको देंगे। हमारा जो काम है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी डिमांड को स्वीकार किया है। मैं सभी पहाड़ियों की सराहना करता हूं जिन्होंने इतनी आवाज बुलंद की अपनी डिमांड वहां पर पहुंचाई। लेकिन अयूब साहब मैं जम्मू नहीं गया था, मैंने अयूब साहब को पहले फ्रंट पर देखा है कुर्सी पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए, भारत माता का नारा लगाते हुए और अमित शाह को पहाड़ियों की डिमांड को आगे बुलंद किया, इसलिए हमें पूर्ण मिल गया है जो हमारी डिमांड थी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। हम पहलवान के घर में आए हैं, इन्होंने इन पहाड़ियों के मुद्दे मेरे ख्याल में जब से मेरी संभाल है तब से ये कर रहे हैं, पहाड़ियों के नाम पे ये बोल रहे हैं। लेकिन कल जब परसों ये जम्मू गए हुए थे हमने सुना है जैसे इन्होंने बोला है और अमित शाह ने माना है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम शुक्रिया करने के लिए आए हैं और मुबारकबाद देते हैं अयूब खान पहलवान को जो कि हमारी पहाड़ियों की आवाज को बुलंद किया है और अमित शाह को मनवाया है। अमित शाह का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने ये मांग पहाड़ियों की जो मानी है। शुक्रिया। मैं अयूब खान कोटरंका। हम लोग जब परसों रजौरी में 22 तारीख को रजौरी में गए 23 को और वहां सलानी ब्रिज के पास जो वहां बस स्टैंड है वहां हमारे 2000 पहाड़ी थे और उनको वहां से किसी साजिश की वजह से कहा गया कि रैली जो है हमारी जम्मू में कैंसिल हो गई है और वहां से उन पहाड़ियों को वापस घर में आना पड़ा। तकरीबन 300-400 आदमी कंडी बुद्र का था जिसमें बहुत चीदा चीदा लोग थे, 300-400 आदमी द्राल का था, इसी तरह पीड़ी नाले का था, इसी तरह मंजाकोट का था और थाना मंडी से तुम वीर की क्यादत में और डीसी इकबाल साहब की क्यादत में और हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बबोत जी उनकी क्यादत में और हमारे एडवोकेट जो है आसान मिर्जा जी उनकी क्यादत में और बहुत सारे साथी जो है हमारे और सीनियर्स पहाड़ी उनकी क्यादत में जब हम सलानी ब्रिज में पहुंचे तो कुछ ब्यूरोक्रेट की साजिश की वजह से उस पहाड़ी को रैलीज को जो है कहा गया कि वहां जम्मू में पानी आ गया है और वहां पर रैली नहीं होगी और हमारी थोड़ी बदकिस्मती भी हुई कि वहां से लोग वापस आ गए 2000 आदमी और उसके बावजूद फिर भी हम कुछ चंद लोग जो है चले गए कि चलो जहां मीटिंग होगी कहीं पर भी मीटिंग होगी हम अमित शाह साहब से मिलेंगे और डीसी कुवाल साहब की और प्रमोद जी की क्यादत में और बाकी साथियों की क्यादत में हम वहां से पहाड़ियों के डेपुटेशन के लिए जम्मू में चले गए।
और अमित शाह साहब के पास जब हम सुबह पहुंचे, हमारा एक पहाड़ियों का डेलीगेशन जो था, कम से कम 100 आदमी का, 200-300 आदमी से बैठे थे पीछे, तो फिर भी 300-400 आदमी वहां पहुंच गए, और जिसमें कंडीपुत्र से भी सरपंच नजीर जी थे, दूसरे नजीर साहब थे, मंजूर जी थे, विशाल लाथर जी थे, और खास करके आसान जी, जो आसान मिर्जा आसान साहब बेडोगेट, बड़ा होनहार बच्चा है, बड़ा होनहार एक जवान लड़का है, और इसी तरह जो बाकी साथी थे हमारे, सबने मिलकर डीसी कुमार साहब को आगे रखा उनकी क्यादत में। जब हम तवी के किनारे, वहां पर ग्राउंड था एक, वहां चले गए, और सारी मीडिया जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ तवज्जो हो गई और कहने लगे कि ये एक कबीला कौन सा है कि जिसकी काफी अरसे से 30 और 40 साल से ये एक डिमांड थी, और आज इनको लगता है कि आज इनका कोई रहनुमा आया और उसके पास जा रहे हैं। वहां पर जब हम पहुंचे तो वहां पर बेमोद जी और डीसी इकबाल साहब, बेमोद जी और डीसी इकबाल साहब, और खास करके दविंदर रैना साहब जो पहाड़ी हैं हमारे निशेरे के और स्टेट प्रेसिडेंट भी है, इतना बड़ा योगदान दिया पहाड़ियों के लिए। मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा जिम्मेवार होने के नाते स्टेट प्रेसिडेंट, पहाड़ी स्टेट प्रेसिडेंट, और बेमोद जी जब उनको अपने पहाड़ियों के पास आए तो वो खुशी से नहीं समा रहे थे और कहा कि हम खुदा से दुआ करते हैं कि आज अमित शाह की जुबान से पहाड़ियों के बारे में कुछ जुबान से अच्छा काम हो। और उसके बाद तुरंत ही जब अमित शाह जी आए और अमित शाह जी ने क्या कहा कि 3 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 बार कहा कि पहाड़ से आए हुए मेरे पहाड़ी भाई, इनकी दरीना मांग थी, इनके ऊपर रिजर्वेशन ठोसी गई थी, और आज के बाद कोई रिजर्वेशन नहीं होगी, इन पहाड़ियों में से भी जम्मू कश्मीर का एक चीफ मिनिस्टर बनेगा। और ये हम ये देखते हैं कि हमें इतना बड़ा फख्र हुआ कि इतना बड़ा आदमी, उसने पहाड़ियों के लिए सोचा और पहाड़ियों के बच्चों के लिए सोचा, जो हमारी 30 और 40 साल से बाकी वाली सरकारों ने हमने रोंडा हुआ था। जब हमारी सफायर जो थी गुज्जर भाइयों और बकरवाल भाइयों के साथ, ST ST के साथ, हमारी सबसे पहले गद्दी और सिप्पी से पहले हमारी फायर जो 1990 में 1999 में वो जो दिल्ली में थी, और दिल्ली में हमारी फायर सबसे ऊपर थी, और किसी साजिश के कारण वहां पर भी लोग हमारे खिलाफ थे, उनके कारण हमारी फायर सबसे नीचे दबी गई, और 30 साल तक हमने ये भोगना भूगा। हम अमित शाह जी का और नरेंद्र भाई मोदी जी का और हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार का और जम्मू कश्मीर स्टेट की जितने भी बीजेपी की क्रीम है, चाहे उसमें बेमोद जी हैं, रविंद्र राणा जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, निर्मल सिंह जी हैं, और चाहे राज्य मिनिस्टर साहब जो है उनका मुझे नाम नहीं इस तरह याद रहा, वो है, जितने भी जम्मू कश्मीर की करीम थी उन्होंने हमारी मदद की, हम सारे पहाड़ी इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो कुछ लोग कहते हैं, देखिए 1 अरब 30-40 करोड़ आबादी का एक होम मिनिस्टर 4 बार कह देता है कि कोई शक नहीं होना चाहिए, पहाड़ियों को रिजर्वेशन मैंने देनी है और दे दी है। कुछ हमारे भाई यहां जाकर पेश हुए कि जनाब इनको नहीं मिलनी चाहिए, ये तो मिलेगी तो फिर हम कमजोर हो जाएंगे। देखिए ये बातें बड़ी छोटी हैं, ये करने की बातें नहीं है, उनको अल्लाह हदायत दे, उनको खुदा हदायत बख्शे और मिलजुल के चलने की फीकत दे उनको, और उनको तुरंत जवाब मिला, आप और बात कीजिए, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा, ये सारे लोग मेरे लिए एक हैं, मैं इनकी पहाड़ी स्टेटस दे के रहूंगा। और हम बहुत बड़ा शुक्रिया, ये हार रविंद्र भाई मोदी के हैं, ये हार अमित शाह जी के हैं, ये हार रविंद्र रैना जी के हैं, ये हार बेमोद जी
आरडीसी अकवाल जिसने हमारे इस राहत कंसीजेंसी में और पूरी पुंछ रजौरी के बीच में कुर्बानी दी है, ये उनके गले के हार हैं। और हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे ये छोटे छोटे इतने इतने नन्हे बच्चे इस खुशी में तालियां बजा रहे हैं, ये सारे हार, ये सारा सेरा अमित शाह जी को और नरेंद्र भाई मोदी को और जम्मू कश्मीर की जो क्रीम है बीजेपी को, उनको जाता है। हमारे बच्चों की दुआएं उनको है। हम कहते हैं कि या रब, जिन लोगों ने हमारे बच्चे के लिए सोचा है, हमारे बच्चों के लिए, इनके लिए सदा सदा इनका बहार रख और सदा सदा इनको काम में रख। मैं आपको बताऊं कि ये बातें चल रही हैं, मैं अपनी कम्युनिटी को कह देता हूं, अपनी कम्युनिटी को कह देता हूं कि यूनाइट में फायदा है और यूनाइट में बेहतरी है। आप अपने बच्चों के लिए सोचें, जिन लोगों ने 40 साल हमारे लिए नहीं सोचा और आज भी हमारी मुखालत वहां जाकर खड़े हो गए, उनके साथ नहीं चलना चाहिए, उनको सलाम करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उनको लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। और मैं इसी में खत्म करूंगा, मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ, हम सब पहाड़ी भाइयों को, गुजर भाइयों को, यहाँ के हिंदू को, यहाँ के मुसलमान को, यहाँ के किसी भी तबके को अल्लाह मेरा तहफीक दे, फिरका परस्त से बचाए, ताकि इस इलाके का, इस मुल्क का, इस जम्मू कश्मीर के इलाके का और खास करके पहाड़ियों का खुदा भला करे। हमें आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए और हमें आपस में हमेशा इत्तेफाक रखना चाहिए। मैं इसी के साथ एक नारा लगाऊंगा और आप उसका जवाब देंगे।